No. I mean, I'm not joining. Hey guys, welcome back to the Entertainment Lab. और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूबिकल्स के सीजन 2 के बारे में, जो सोनी लिव पे रिलीज हुआ है, और लास्ट में उसकी एंडिंग पर भी एक नजर डालेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट सीजन में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस सीजन में पीयूष एक नई कंपनी ज्वाइन करने चाह रहा था, सो लास्ट एपिसोड में वो उसी का इंटरव्यू देने जाता है, जिसका नाम होता है किया टेक। और वहाँ साइनोटेक में उसका अप्रेजल हो जाता है और उसे 18% इंक्रीमेंट भी मिलता है। बट यहाँ पे उसका जो भी इंक्रीमेंट होता है वो थोड़ा सा नॉन एग्जिस्टेंट टाइप का होता है और बहुत कम सैलरी बढ़ती है। लेकिन दूसरी तरफ उसे नए केबिन और एक नया प्रोजेक्ट का टीम लीड भी बना दिया जाता है। पहले वो बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन बाद में वो रियलाइज करता है कि अपने दोस्तों और अपने क्यूबिकल्स को बहुत मिस कर रहा है और उस केबिन में वो अकेला है। बट वहाँ कैच इस बात पे आता है कि वो टेम्परेरी टीम लीड होता है और वो केबिन में टेम्परेरी होता है। इन्हीं सब की प्रोज और कॉन की लिस्ट बना के वो चलता है इंटरव्यू देने, और वहाँ पे वो रियलाइज करता है कि उनका वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ही हॉस्टाइल है और वहाँ एकदम अच्छा फील नहीं करता है वो। बट लास्ट में जब सैलरी की बात करते हैं तो वो लोग उसे 30% इंक्रीमेंट देते हैं और पीयूष 40% एक्सपेक्ट करता है। सो इतना वर्कलोड और इतनी कम इंक्रीमेंट से वो हताश हो जाता है। बट यहाँ पे पीयूष को ये भी पता चलता है कि स्टार्टिंग में उसे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, बल्कि 6 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और बेंच पे भी रहना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ शेट्टी अपनी लीव अप्रूव होने का वेट कर रहा होता है, तो गौतम सुनैना से धोखा खाने और प्रोजेक्ट छिन जाने की वजह से गोवा का प्लान कैंसिल होने पर दुख मना रहा होता है। सो लास्ट में पीयूष अपना केबिन छोड़ के वापस क्यूबिकल में आ जाता है और वो सुनैना को कन्विंस करता है कि वो गौतम को उसका प्रोजेक्ट वापस दे दे, और बदले में पीयूष अपना क्लाइंट जेफरसन और अपना केबिन उसे दे देता है। ये सब सुन के वो मान जाती है और अपनी कट थ्रोट वाली हरकतें छोड़ देती है, और गौतम की गोवा की प्लानिंग फिर से स्टार्ट जाती है। शेट्टी को भी लास्ट में लीव मिल जाती है और सब खुश हो जाते हैं। अंगद भी ट्रेडिंग करके अपने हेयर ट्रांसप्लांट के पैसे जोड़ लेता है। लास्ट में एक टफ क्वेश्चन पीयूष के सामने आता है कि वो छोटी जगह पे रह के अच्छा काम करे या बड़ी जगह में रह के कुछ काम ना करे। सो इस टफ क्वेश्चन में वो छोटी जगह को ही चूज करता है और अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ साइनोटेक में ही रहता है। सो ये सब तो हुआ पूरे सीजन में। अब इसमें कुछ ऐसे क्लिफहैंगर तो है नहीं, बट नेक्स्ट सीजन के लिए कुछ मेरे प्रेडिक्शंस हैं। तो मुझे लगता है कि पीयूष जरूर कुछ ना कुछ ट्राई करेगा अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, और उसकी परफॉर्मेंस देख के उसे मिल भी सकती है, और नेक्स्ट सीजन में उसे किसी अच्छी कंपनी से ऑफर मिलेगा और वो उसे ले लेगा और अपनी ऑफिस और क्यूबिकल को लास्ट टाइम बाय बोल देगा। सो ये सब तो हुआ पूरे सीजन में और लास्ट एपिसोड में। आपकी क्या राय है, या फिर आपकी कोई प्रेडिक्शन हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।